बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पानी पक रहा है, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें और साथ में मैक्रोनी शामिल कर दें। मैक्रोनी देखें पक रही है। अब मैं इसको अच्छे से गला लूँ तो फिर मैं इसको स्टेन कर लूँगी। सबसे पहले बॉयल में 3 एग लें। अब मिक्स कर ले अच्छे से इसको। इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना। पैन में मैंने ऑयल लिया है, अब इसमें ये मैं एग ऐड करने लगी हूँ, जो 3 एग मैंने बीट किए हैं। साथ में आपने चम्मच लाना है ताकि ये फ्लफी फॉर्म में और इस तरह हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद कर दें और इनको बाहर निकालते हैं। अगेन कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 जवे लहसुन के ऐड कर दें। वन टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें। अब इसमें 1 मीडियम साइज में ऑनियन है, स्लाइस में कटिंग किया हुआ, ये ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट इसको भूनते हैं, फिर इसमें हम कैरेट ऐड करते हैं। स्लाइस में कटिंग की हुई 1 अदद कैरेट इसमें ऐड कर दें। सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इनको जस्ट फ्राई करना है, इनकी लुक ख़राब नहीं करनी आपने। शिमला मिर्च है, ये भी स्लाइस में कटिंग की हुई है मीडियम साइज़ में, 1 अदद ये भी इसमें ऐड कर दें। वन टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड की है। बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल दें। वन टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड की है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। नमक आप इसमें हसबे जायका ऐड कीजिएगा। अब फ्राई एग जो किए थे हमने वो इसमें ऐड कर दें। मैक्रोनी किसको नहीं पसंद, सबकी आइडियल, बच्चों की, बड़ों की, सबकी आइडियल है। और देखिए आज इसमें कोई चिकन ऐड नहीं किया, डिफरेंट तरीके से बनाई है। बच्चों के लिए बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। अब मैं इसमें केचप ऐड करने लगी। 5 टेबल स्पून इसमें केचप ऐड कर दें। मैक्रोनी हमारी देखें रेडी हो चुकी है। चलें जी फ्लेम को बंद करते हैं और अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, आपको इसको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े की मैक्रोनी रेडी हुई। आपने चिकन में भी खाई होगी, आपने इस तरह भी ज़रूर बना के खानी और मुझे ज़रूर बताना। और ये देखें कितने अच्छे से टेंडर हो गई और इतनी मज़े की, इतनी यमी बनी है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।